अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे वेज बर्गर, वो भी बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स स्टाइल में। इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे टिक्की। टिक्की बनाने के लिए यहाँ मैंने 3 आलू बॉईल कर लिए हैं और मैश कर लिए हैं। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून बॉईल करे हुए मटर, नमक डालेंगे हम टेस्ट के मुताबिक, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को। आप चाहें तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। और अब हम लेंगे 1/2 कप पोहा। पोहे को हमें सोक नहीं करना है, बस थोड़ा सा वेट करना है, इसलिए इसके ऊपर हम डालेंगे पानी। और इस पोहे को हम डाल देंगे आलू के मिक्सचर में। पोहा एक्स्ट्रा मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेगा और साथ ही हम इसमें डालेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये हमारा टिक्की का मिक्सचर एकदम रेडी है। अब हम तैयार करेंगे एक स्लरी। इसके लिए हम लेंगे एक बोल और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मैदा और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। इसमें हम डालेंगे पानी और तैयार करेंगे एक घोल। बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए घोल और ना ही ज़्यादा गाढ़ा, मीडियम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और ये हमारी स्लरी रेडी है। यहाँ मेरे पास है ब्रेड क्रम्स। 3 ब्रेड स्लाइसेस को मैंने दरदरा ग्राइंडर जार में पीस लिया है। और अब हम तैयार करेंगे टिक्की। इसके लिए हम लेंगे आलू का मिक्सचर और इसे राउंड शेप देंगे और इसे फ्लैट करते हुए हम इसे टिक्की का शेप देंगे। हमारी टिक्की बन चुकी है। इसे हम सबसे पहले स्लरी में डिप करेंगे। और इसे ट्रांसफर कर देंगे ब्रेड क्रम्स में और ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कोट कर देंगे। हमें मेक श्योर करना है कि क्रम्स अच्छी तरह से हर तरफ से कोट हो जाएं। और अब ये हमारी टिक्की रेडी है। इसे हमें फ्राई करना है। टिक्की को फ्राई करने के लिए हम लेंगे कढ़ाई और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल। तेल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। जब तेल गर्म हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे आलू की टिक्की और इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने देंगे। 2 से 3 मिनट बाद हम इसे बहुत ही केयरफुली पलट देंगे और दूसरी तरफ भी इवनली फ्राई होने देंगे। अच्छा सा गोल्डन कलर आना चाहिए दोनों साइड पर। अभी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसे हम निकाल लेंगे। और अब हम लेंगे बर्गर बन और इसे काट लेंगे आधे से। 2 इक्वल पार्ट्स में हमें इसे काट लेना है। और एक पैन में हम लगाएंगे बटर। अगर बटर ना हो तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। और बन को हम सेक लेंगे लो फ्लेम पर। और अभी हमारी बन अच्छे से टोस्ट हो चुकी है। हम तैयार करेंगे बर्गर सॉस। इसके लिए लेंगे 2 टेबलस्पून मेयोनीज और इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून टमाटो केचप और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये हमारा बर्गर सॉस एकदम रेडी है। अब हम करेंगे बर्गर को असेंबल। इसके लिए हम लेंगे बन का नीचे वाला हिस्सा और इसके ऊपर अप्लाई करेंगे जेनरस अमाउंट ऑफ बर्गर सॉस। इसके ऊपर हम प्लेस कर देंगे
आलू की टिक्की, और अब हम रखेंगे अनियन रिंग्स, 2 से 3 अनियन रिंग्स, और रखेंगे टमाटर के स्लाइसेस। फिर से हम थोड़ा सा बर्गर सॉस अप्लाई करेंगे, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, और इसके ऊपर हम रखेंगे चीज़ का स्लाइस, और इसके ऊपर हम रख देंगे टॉप लेयर ऑफ द बर्गर, और अभी हमारा वेज बर्गर एकदम रेडी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।